हेलो दोस्तों, अगर आप बार बार जो है ये देखते रहते हो कि कहाँ से जो है आप स्टेट्स देखो, कैसे जो है आप ड्रीम इलेवन के लिए बहुत ही अच्छा सा टीम बना सकते हो, क्या क्या सीनरी रहेगा और कैसा जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपका टीम जो है वो ड्रीम टीम में परफॉर्म कर पाए, तो इसके लिए देखो, अगर ड्रीम टीम में आप चाहते हो कि एक टीम लगा के जो है वो जीत जाओ, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप एक टीम लगा के जो है वो जीत जाओगे। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप जीत ही नहीं पाओगे, बिल्कुल आप जीत पाओगे, लेकिन उसके लिए ना बहुत सारे इंजन जो है वो आपके पीछे घूमते रहेंगे। सबसे पहले क्या कि आप केवल एक मैच में लगा के चाहते हो कि उसी मैच में जीत जाओ, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है। आपके लिए जो है वो मैचेस क्या करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करने पड़ेंगे कि आपको हर मैच में जो है वो उस रूल को फॉलो करके, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसको फॉलो करके जो है आपको सारी चीज़ें लगाने पड़ेंगे, अपने टीम बनाने पड़ेंगे, तभी जो है आप एक अच्छा सा सीनरी जो है वो क्रिएट कर पाओगे जहाँ पर आपका चांसेस रहेगा जीतने का। तो अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि किस तरीके से जो है आप इस टीम को क्रिएट कर सकते हो, कैसे जो है क्रिएट कर सकते हो, और क्या क्या स्टेट्स जो आपको देखने चाहिए, और किसको जो है किस ग्राउंड पे पिक करना चाहिए ताकि अच्छा सा जो है आप टीम जो है वो बना सको। सबसे पहले देखते हैं, देखो कल का जो हम लोग मैच उठा लेते हैं, कल का जो 7 बजे का मैच है वो आपको देखने मिलेगा कोलकाता और चेन्नई के बीच में है। यानी कि जब वीडियो आप देखोगे तो जो आज का मैच है वो आपको कोलकाता और चेन्नई के बीच में जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है आप अगर वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर, तो आप बना सकते हो टीम। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस मैच में, तो हम लोग जाते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पर गाइड में, अब गाइड में जाते हैं तो गाइड में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है एक तरफ जो है आपको क्या दिखाई देता है, ग्रुप टीम दिखाई देता है जहाँ पे बहुत सारे जो है इधर टीमें रहती हैं। और मैंने इसको बताया कि किस तरह से जो है आप इस टीम का यूज़ कर सकते हो, कैसे जो है आपको इस टीम को एडिट करके अपने टीम में यूज़ करना है, आप वो कर सकते हो बहुत ही इजीली और बहुत ही इसी तरीके से। इसे पिछले वाले वीडियो जो है आप वहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर जो है आपको मैच स्टेट्स में जाना है, और मैच स्टेट में जो है आपको सब कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या डाटा जो है आपको देखना है, क्या क्या डाटा जो है आपके लिए यूजफुल हो सकता है और किस तरीके से जो आप कर सकते हो। अब देखो, आप कहोगे कि इतना टाइम आपके पास है नहीं देखने का, तो देखो अगर आप जितना चाहते हो, आप जितना चाहते हो 1 करोड़ 5 लाख 10 लाख, और आप चाहते हो कि आप 5 मिनट भी ना दो, तो आप बिल्कुल नहीं जीत पाओगे, ये जो है इम्पॉसिबल है। आपको जो है टाइम देना पड़ेगा इस पर, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, या फिर वैसा ही होना पड़ेगा कि किसी के जो है वो मेंबरशिप लेने पड़ेंगे और जाके जो है आपको टीम उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो जो है अपना टाइम इस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखो अगर यहाँ पे आपको क्या क्या स्टेट्स देखना है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो आप देखो सबसे पहले जो है दिखाता है वो दिखाता है कि जो रिसेंट परफॉर्मेंस है दोनों टीमों का वो किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब रिसेंट परफॉर्मेंस में देखोगे, देखो KKR जो है रिसेंट के 3 मैचेस हार के आ रहे हैं, वहीं चेन्नई देखोगे तो रिसेंट के जो है वो 3 मैचों में देखा जाए तो 1 हारा है 2 जीत के आ रहा है, ये हो गया। अब इनके बारे में और भी आप डाटा जानना चाहते हो तो आप व्यू मोड पर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब जो है किससे मैचेस कौन सा जो है वो हारे थे। जैसे कि यहाँ पे देखोगे दिल्ली जो है वो 4 विकेट से जीता था KKR से, उसके पहले मुंबई जीता था, उसके पहले हैदराबाद जीता था, तो ये सीनरी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह चेन्नई के मैचेस देखोगे तो आपको चेन्नई के मैचेस जो है वो नीचे दिखाई दे देगा यहाँ पर, कि चेन्नई जो है लास्ट मैच देखो यहाँ पर क्या हुआ, हैदराबाद से जीत के आ रहा है, फिर ये हो गया यहाँ पर देखोगे RCB से जीत के आ रहा है, फिर देखोगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है आपको राजस्थान से हार के आ रहा है। तो ये सीनरी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि टीम कंपेरिजन हो जाता है और इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह का सीनरी जो आपको देखने को मिल जाएगा। अब जहाँ पे ये मैचेज होगा, आपको पता होगा कोलकाता में मैचेज होगा, तो अगर कोलकाता की हम लोग बात करेंगे किस तरह का सीनरी रहेगा, तो आप देखोगे वहाँ पे तो पिच दिखा रहा है कैसा कि एक बैटिंग पिच रहने वाला है। फ़ायदा किसके लिए होगा, तो पेस बॉलर के लिए होगा। और वेदर कैसा रहेगा, तो रेनी रहेगा, यानी कि बारिश के चांसेस जो है यहाँ पर रह सकता है। और लास्ट 5 मैचों की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे एवरेज देखोगे तो 172 रन है, और यहाँ पे अगर विकेट देखोगे ना तो आपको देखने मिलेगा कि स्पिनर ने जो है 61 विकेट लिए हैं, 31 विकेट, और फास्ट बॉलर ने जो है वो 37 विकेट लिया है। तो इससे जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि फास्ट विकेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल यहाँ पर रहने वाला है। और व्यू मोड करोगे तो व्यू मोड में भी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो यहाँ पे टॉस जीता है पहले बॉलिंग करता है कितने परसेंट, इतना परसेंट, बैटिंग करता है इतना परसेंट, और अगर विनिंग चांसेस देखें तो पहले बैटिंग करके विन करने का जो है चांसेस है, पहले बॉलिंग करके वो 45% के आसपास जो है विनिंग के चांसेस है। तो इस सीनरी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में ये भी देख सकते हो कि इस ग्राउंड पर पिछले 5 सालों से जो है कौन जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपको एन जगदीशन जो है इनका परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो निशांत संधू का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, नीतीश राणा का जो है इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपके टीम में ये प्लेयर्स हैं तो आप पिक कर सकते हो। बॉलिंग में देख लो तो वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा रहा है, सेटनर का परफॉर्मेंस अच्छा है, तुषार देशपांडे का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इस सिनेरियो में अगर देख सकते हो तो यहाँ पर जो है आपको इन प्लेयर को जो है वो पिक करके चलोगे तो थोड़ा बहुत जो है आपको बेनिफिट जरूर हो सकता है। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस अगर हम हेड टू हेड की बात करते हैं तो आप देख सकते हो जो इस ग्राउंड पर पिछले जो है वो लास्ट 10 मैचों में देखोगे तो यहाँ पे देखने मिलेगा कि 3 जो है KKR जीता है और जो है यहाँ पर CSK जीता है पिछले 5 सालों में जो भी यहाँ पे मैचेज हुए हैं। और इसके भी रिकॉर्ड्स आप देखना चाहते हो तो आप इसके भी रिकॉर्ड्स देख सकते हो, और कि किस तरीके से वो मैचेज हुए थे, कितना कितना रन जो है कोई बनाया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुंबई में मैचेज हुआ था तो किस तरीके से रन बना था। उसके बाद फिर देखोगे यहाँ पे दुबई में मैचेज हुआ था,
फिर दोनों टीम ने किस तरह से रन बनाई थी, फिर देखोगे यहाँ पे जो है अबू धाबी मैसेज हुआ था किस तरह से रन बनाई थी, तो इस तरह से सीनरी आपको पता चल जाएगा कि जो पिछले कुछ मैसेज हुए थे उसमें से कैसा जो है मैसेज हुआ था। तो आप देखो अगर यहाँ से आपको डाटा ये पता चल जाता है तो अब इस डाटा को जो है आपको कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपने जो है ये डाटा देखा है तो उस डाटा को जो हिसाब से जो आपको क्या करना है, अब आना है अपने टीम बनाने में। अब जब आप टीम बनाओगे तो टीम में आपको किस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप टीम में बना रहे हो तो एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो प्लेयर यहाँ पे दिखाया है क्या वो प्लेयर प्लेइंग 11 में रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो उसको जरूर पिक कर लेना, अगर नहीं रहता है तो जो है आपको इस पिच के हिसाब से जो है टीम बनानी है। पिच कैसा दिखा रहा था, पिच दिखा रहा था कि बैटिंग पिच था। अब जब बैटिंग पिच था तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बैट्समैन है उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दें, तो हम लोग बैट्समैन को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देकर चलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, तो हम लोग बैट्समैन और हमने देखा कि जो पेस बॉलर है उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और ज़्यादा डिफरेंस है नहीं पेस और स्पिनर में, तो स्पिनर को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आप जिस भी डाटा देख रहे थे उसमें हमने देखा कि वरुण चक्रवर्ती के यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, एन जगदीशन का हमने देखा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर ग्राउंड पर रहता है तो एन जगदीशन को ले लिया। इसमें हमने देखा नीतीश राणा का परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है, हमने नीतीश राणा को देख लिया। इस तरह देखोगे सेटनर का परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है, तो सेटनर अगर प्लेइंग में रहेंगे तो सेटनर को पिक कर लेना। तो ये सीनरी जो है बनता है कि सबसे पहले आप टीमें जो है वो सेलेक्ट करो, उसके बाद से आप देखते हैं हम लोग पिच के हिसाब से। पिच कहता है कि बैटिंग फ्रेंडली जो है वो काफ़ी ग्राउंड है, तो बैटिंग हमने देख रहे थे कि डेविड कॉनवे का जो है वो गोल्डन टाइम चल रहा है तो अपने लोग, इस समय जो है गायकवाड़ का चल रहा है, इस समय देखो तो रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर का चल रहा है तो ये ले लो, रहाने का जो है गोल्डन टाइम चल रहा है तो आप ये पिक कर सकते हो। इस तरीके से जो है अपना टीम आप सेलेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। इस सब ऑलराउंडर में देखोगे तो पिछले अगर कुछ ऑलराउंडर बात किया जाए यहाँ पे तो बॉलिंग के हिसाब से देखोगे तो अभी जो है वो ऑलराउंडर में एक रसल का फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है बॉलिंग में। बैटिंग में देखो तो बैटिंग में आपको देखने मिलेगा यहाँ पे जो है वो आपको जडेजा का जो है फॉर्म यहाँ पे अच्छा चल सकता है बॉलिंग के लिए बैटिंग के लिए से। तो इस तरीके से आपकी टीमें कंप्लीट हो जाएगी। अब जब टीमें कंप्लीट हो जाएगी तो आप टीमों में आप जो है एक बार रिव्यू कर लेना, रिव्यू करके देख लेना कि आपका टीम अनबैलेंस तो नहीं हो रहा है। अनबैलेंस इन द सेंस कि आपको टीमें ऐसे रखने कि एक टीम से 6 से 7 प्लेयर रहे, एक टीम से 5 से 4 प्लेयर रहे, उससे ना कम हो ना ज़्यादा हो। और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने बॉलर्स जो है वो कहाँ से पिक किए हैं, एक टीम से पिक किए हैं, तो बैट्समैन भी जो है उसी की टीम के जो है वो 6 से ज़्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि जो दूसरी टीम है वो जो है ज़्यादा आउट नहीं कर पाएगी। अगर बॉलर्स जो आप यहाँ पिक करें तो इसका हम इस पर एक्सपेक्ट कर देंगे वो जो है एक अच्छा बॉलिंग करती है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा टीम देखो जो है एक तरीके से बैलेंस टीम बन गई है, किस तरीके से डीवर कॉन और इधर गायकवाड़ को लिया है, तो केकेआर के कोई भी ओपनर बॉलर हमने नहीं लिया है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करें कि यहाँ पर विकेट गिरेगा, इस चीज़ का जो है सिनेरियो ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने पेस बॉलर जो है वो नहीं लिया है। अब देखोगे अधिकतर जो है हमने यहाँ पे स्पिन बॉलर जो है ले रखा है, जडेजा को ले रखा है, सटनर को ले रखा है, चक्रवर्ती को स्पिन बॉलर को ले रखा है, लेकिन ये ग्राउंड कहता है कि यहाँ पे जो फास्ट बॉलर है उनको थोड़ा ज़्यादा मत मिलता है, तो हमने टीम को और एडिट कर देते हैं, एक दो जो फास्ट बॉलर है उनको ही ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने एक और देखा था कि जो तुषार पांडे थे, तुषार पांडे को जो यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा था तो सेटनर को हम लोग हटा देते हैं, सेटनर वैसे प्लेइंग 11 में भी नहीं है तो हम लोग हटा देते हैं और तुषार देशपांडे को जो हम लोग पिक कर लेते हैं। इसके अलावा हमने एक और देखा कि जो फास्ट बॉलर हैं उनमें से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, तो हमने किसको हटा सकते हैं, तो अभी जो है देखो आप जो है यहाँ से वेंकटेश अय्यर को हटा सकते हो, जडेजा को हटा सकते हो और उस सीनरी में जो आप कोई भी एक फास्ट बॉलर को जो हो यहाँ पर रख सकते हो। आप अपना टीम देखो फिर भी तो आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके का कुछ। आप कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे किसको जो है पिक कर सकते हो, तो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करने के जो है बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग जो है नतीजे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कैसे पिक कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे इस टीम के हिसाब से जो है मुझे लेके जाना है और मुझे बताया कि ये बैटिंग राउंड पिच है, तो डिवो कॉन्वे का जिस तरह का फॉर्म है वो हम लोग डिवो कॉन्वे को ले सकते हैं। नीतीश राणा का यहाँ का रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा है तो हम लोग नीतीश राणा को ले सकते हैं। वेंकटेश अय्यर को जो है वो हम लोग पिक कर सकते हैं, गायकवाड़ को पिक कर सकते हैं, ये सीनरी देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले कैप्टन किसको लेते हैं, तो हम लोग कैप्टन लेते हैं नीतीश राणा का, एक तो होम ग्राउंड है और बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी जो है वो आप लास्ट मैच में यहाँ पर जो मैच हुआ था हमने देखा भी काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिला, तो हमने ले लेते हैं। और डीवे कॉन्वे को हमने वाइस कैप्टन ले लेते हैं, तो ये सीनरी से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप टीम प्रीव्यू देख सकते हो, तो आपको जो है कुछ टीम प्रीव्यू दिखाया जाएगा और इस टीम के साथ जो है अब आप क्या कर सकते हो कि अब आप जो है आपके लिए टीम जो है वो हो गया है रेडी, जिसे जो है आप बना सकते हो और अपने जो भी लीग है उस लीग में जो है उस कॉन्टेस्ट में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो है आप उसे बना सकते हो, एक अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब जो भी आप कॉन्टेस्ट खेलोगे उस कॉन्टेस्ट में जो है आपको क्या करना है कि कैसे टीम लगाना है वो भी जो है आप जानते हो कि कॉन्टेस्ट में जो है आप सबसे पहले कॉन्टेस्ट खोलना और ज्वाइन ए कॉन्टेस्ट करके जो है जो भी कॉन्टेस्ट आप आएगा उसमें खोल दोगे, जो कि ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट अभी इसका चालू नहीं हुआ है, तो जब इसका चालू हुआ तो आप जो है कॉन्टेस्ट में जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो खेल सकते हो। उससे देखो आपको अब क्या देखने को मिल जाएगा कि जिस तरीके से आप टीम बनाओगे जो भी डाटा आप देखोगे वो आपके बेनिफिट में होते जाएगा, और ये ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ें आपके बेनिफिट में हो। अब एक टीम से देखो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो है टीम लेवल ना जीतो, और ये भी नहीं हो सकता कि जीत ही नहीं सकते,
तो ऐसा जो है वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी जो है आप जीत पाओगे। अगर रेगुलर बेसिस पे आप नहीं करते हो तो जितना जो है थोड़ा सा मुश्किल जो है वो सबके लिए हो जाता है, क्योंकि अगर एक मैच में खेलोगे जिस बेसिस पे आपने टीम बनाया था वो परफॉर्म नहीं किया, दूसरे में आपने टीम बनाया खेला नहीं पर देखा कि वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो ये सीनरी जो है आपके साथ रहेगा, तो इसीलिए जो है आपको हमेशा खेलना पड़ेगा। और मैं इतने सारे जो है वो टिप्स और ट्रिक्स बता दिया हूँ, उसका प्ले लिस्ट आप देख सकते हो, तो उनको सबको जो है आप अप्लाई करो, खेलो, देखो और अच्छे तरीके से जो है आप जीत सकते हो अगर इन सबको अप्लाई करोगे। तो देखो सब कुछ जो है आपके हाथों में है, जब तक आप खेलोगे नहीं तब तक जो है आप जो है वो जीतोगे नहीं, और खेलने के लिए जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप खेल नहीं पाओगे। तो उसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चीज़ों को देखो, अनलाइज करो, सीखो। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दो बार में देखो, तभी जो है आपको चीज़ें जो है वो एक अच्छे से समझ में आएगी और आप उसे इसका फ़ायदा जो है उठा पाओगे। खूब से वीडियो जो है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।